जी डी एस स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अरहेनियस का एसिड और बेसिस नजरिया। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरहेनियस कौन था। अरहेनियस वो केमिस्ट था जिसने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में अपना नजरिया पेश किया 1787 में। इस नजरिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन दे, यानी कि वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयंस पैदा करें या दे, उस शय को हम कहते हैं एसिड्स। और बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयंस पैदा करे या दे, उसे हम बोलते हैं बेस। अब इंग्लिश में भी मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, द सब्सटेंस विच गिव्स एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, एंड द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अरहेनियस अबाउट एसिड एंड बेस। अब मैं जनरल आपको इसकी मुसाबत बताता हूं कि किस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एसिड है जिसको मैं एच ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको डिसोसिएट करूंगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी पानी की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। तो आप देखेंगे कि इसके दोनों आयन सेपरेट हो जाएंगे, एच पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा और ए नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो H आयन ये देना शुरू कर देगा और साथ क्लोराइड आयन देगा, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि HCl एक एसिड है। क्यों? ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन पैदा करता है। एक और एग्जांपल देता हूं, नाइट्रिक एसिड का नाम आपने सुना होगा HNO3। इसको आप वाटर में डिसोसिएट करें तो हाइड्रोजन आयन देगा और उसके साथ ये NO3 नाइट्रेट आयन देगा, NO3 1 नाइट्रेट। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा H2SO4। इसको वाटर में ऐड करें तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और प्लस सल्फेट आयन देगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे दो एटम है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम शुरू में बैलेंस करने के लिए दो लगा देंगे। ये तो मिनरल एसिड की कुछ एग्जांपल है। अब मैं आपको एक ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है जी एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको वाटर में ऐड करूंगा, ये भी डिसोसिएट होगा क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, बहुत कम आयंस में चेंज होता है। तो ये जब आयन में चेंज होगा तो ये हमें देगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी आपको अरहेनियस के एसिड्स की। अब इसी तरह मैं चलता हूं बेस की तरफ। पहले जनरल एक मुसाबात से इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूंगा बेस को, जिसको मैं BOH से रिप्रेजेंट करूंगा। जब इसे हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये जो कंपाउंड लिखा है, जनरल एक फार्मूला लिखा है बेस के लिए, तो इसमें क्या होगा, बी सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि वो शायद जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे उसे हम कहते हैं बेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है जी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। ये जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं,
तो ये हमें सोडियम आयन और उसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन देती है। तो ये OH आयन इसने पैदा किए, तो इसका मतलब है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसी तरह मेरे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको जब वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। तो ये भी एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने, CaOH ट्वाइस, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम आयन सेपरेट हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद दो है, तो मैं क्या करूँगा बैलेंस करने के लिए शुरू में यहाँ पे दो ऐड करूँगा। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं अर्हेनियस के बेसिस की। इस तरह बेशुमार आपने सुना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और भी बेस बहुत सी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था बेसिकली पहले तो दोनों को डिफाइन करना, फिर उनकी एग्जाम्पल की मदद से वजाहत करना, जो कि आपके सामने मैंने की है। अब ये जो अर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब मैं इसकी बात करूंगा लिमिटेशन के ऊपर। इसकी हदूद क्या है, अब हम बात करते हैं अर्हेनियस नजरिया की हदूद। अर्हेनियस नजरिया की हदूद यानी किन कंपाउंड्स के बारे में हमें ये बताता है कि ये एसिड या बेसिस है, और किन की ये वजाहत नहीं करता, कहां तक ये लिमिट है। बेसिकली ये नजरिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जिन कंपाउंड में को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे अगर वो एच या ओ एच आयन देते हैं तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है अर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक। लेकिन आपने नोट किया होगा कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एच और ओ एच आयन नहीं देते, तो ऐसे कंपाउंड की ये किस तरह वजाहत करता है इसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। जैसा कि आपके सामने आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसे पानी में डालेंगे तो वो एच या ओ एच आयन तो नहीं देगी, हालांकि है वो भी क्या है एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। इस तरह अमोनिया है NH3 है, उसको वाटर में डालें ना एच देगी ना OH आयन देगी, हालांकि वो एक बेस है। तो ये जो दो बेसिक पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस किए हैं कि नंबर एक तो ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, लागू है, उनमें जो कंपाउंड एच आयन या OH आयन देता है उसे हम कहते हैं कि ये एसिड या बेस है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि एसिड और बेस सिर्फ वो कंपाउंड को ये एक्सप्लेन करता है जो एच आयन या OH आयन देते हैं, और बाकी जो कंपाउंड है उनकी ये वजाहत नहीं करता। ये इसकी दो लिमिटेशन है, ये आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस छोटे से लेक्चर की आपको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सबका लेक्चर्स और प्रैक्टिकल की वीडियोज आपको वसूल नहीं हो रही तो इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल के नीचे ये वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है इसको दबाएं, उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड ताकि वो आपको मिलते रहें। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।